नमस्कार दोस्तों, मैं तो दोस्त मनु मोड़ से अज की वीडियो आप गल करेंगे कि आप कॉन्स्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल पर किवें फिल कर सकते हैं। सब तो पहला करना कि तुम इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट punjabpolice.gov.in से आप गूगल से सर्च करेंगे तो इस तरह की ऑफिशियल वैबसाइट अपने सामने ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस तो बाद रिक्रूटमेंट का सैक्शन आपको इतने देखने को मिलता, इससे आप क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का पेज पूरा अपने सामने ओपन हो जाता है। इस तो बाद आप करना कि उपर थ्री डॉट तुम्हें दिख रहे हैं तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे। एंड इस तो बाद जो सैकेंड लिंक आपको शो हो रहा इतने लिंक टू द रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो अगे आप नवी वैबसाइट उत्ते कन्वर्ट कर दिए जावे। देखो दोस्तों, यह सिर्फ थोड़ी हैल्प करने लिए, थोड़ा पैसा बचाने लिए है। जो तुम किसी भी कंप्यूटर कैफे पर जाओगे पोस्ट को फिल करने लिए, उत्थे 200 रुपए थोड़े तो फॉर्म फिल करवाने के मंग लेंगे, बट कोई जरूरत नहीं है फालतू पैसा वेस्ट करन दी। तुसी अपने मोबाइल पर पोस्ट में फिल कर लो। जे कोई दिक्कत आती है तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। एंड जे फॉर्म तुसी मेरे थ्रू भरवाना चाहते हो, मैं थोड़ी पोस्ट फिल करके तुहानू जिहड़ा कि फाइनल प्रिंट आउट कट के तुहानू मैं व्हाट्सएप उपर सेंड कर देंगा, तो भी इंस्टाग्राम से मैं इस बारे पूछ सकते हो। चलो हूँ आप अगे का प्रोसैस कर लें। सब तो पहले आप टू रजिस्टर का ऑप्शन आपको इतने देखने को मिल जाता है, इससे आप क्लिक कर लेंगे तो इस फॉर्म में देख लो आप की कुछ भरना है। दोस्तों तो सब तो पहला एक गल नोट कर लो, जिन्हें यह रैड स्टार लगे तुम देख सकते हो लाल कलर का स्टार, यह जिहड़े भी कॉलम ने आपां नूं फिल करने लाजमी ने, जिन्हें नहीं लग्या वह तुसीं ना भी भरोंगे तो भी चल जाएगा। तो सब तो पहले आप कैंडीडेट का नाम फिल करना है, उस तो बाद मिडल नेम जो तुहाडा हैगा तो फिल कर दिओ, नहीं तो रहन दिओ। तो लास्ट नेम जे तुहाडा हैगा यह लास्ट नेम तो यह फिल कर दिओ, जे कोई लास्ट नेम नहीं है सिर्फ कैंडीडेट का फस्ट नेम है तो फस्ट नेम ही दोबारे इतने लिख सकते हो तुसीं। इस तो बाद ने पूछा कि तुम कदम अपना नेम चेंज किया है, जे किया तो यस कर दो, जे नहीं किया तो नो कर दो। इस बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप फिल करनी है, इस तो बाद जेंडर अपना मेल या फीमेल, तुम मोबाइल नंबर फिल करना, कन्फर्म मोबाइल नंबर करना, ईमेल एड्रेस फिल करनी है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस दोबारे सेम ईमेल एड्रेस भरनी है दोनों थावां ते, दोनों थावां ते सेम मोबाइल नंबर आप इतने फिल करना है। इस तो बाद करना की है जनरेट ओटीपी ते क्लिक कर देना है, तो अपने कोल मोबाइल ते एक 6 अक्षरां दा ओटीपी आ जाएगा। उस तो बाद आप आई एगरी ते क्लिक करके सेम कैप्चा ही फिल करके सबमिट दे बटन ते आप क्लिक कर देंगे। हुण जदों आप सारा कुछ फिल कर दें तो अपने कोल इस तरह का एक पॉपअप खुल के आता है, तो इस विच की लिखा है इन्होंने, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर विद सेम ईमेल एड्रेस ते मोबाइल नंबर। इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि तुसी जे सब इंस्पैक्टर की पोस्ट फिल की है तो कॉन्स्टेबल दी फिल नहीं कर सकते। हुण जिहड़ा सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर सी ते पासवर्ड सी अपने कोल, उही आपां दुबारे लॉगिन करना पवेगा तो अपने कॉन्स्टेबल की जिहड़ी पोस्ट नूं आपां फिर फिल कर सकांगे। हुण जिन्हां वीरां ने सब इंस्पैक्टर की पोस्ट फिल की है जो वह भी कॉन्स्टेबल की पोस्ट नूं फिल करना चाहते ने, तो जिहड़ा सब इंस्पैक्टर का लॉगिन आईडी ते पासवर्ड सी आपां नूं इत्थे फिल करनी पवेगी। तो जिन्हां ने सिर्फ कॉन्स्टेबल की पोस्टां नूं ही अप्लाई करना है तो हुण जिहड़ा जिवें प्रोसैस मैं तुहानूं दस्सिया है उवें तुहाडे कोल लॉगिन आईडी ते पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, तो वह लॉगिन आईडी ते पासवर्ड इत्थे आपां फिल करके अगे दा प्रोसैस नूं जारी करांगे। हुण जिवें कि मैं सब इंस्पैक्टर की पोस्ट भी फिल की हुई है तो हुण मैं कॉन्स्टेबल की पोस्ट भी फिल करना चाहुंदा, तो मैं कॉन्स्टेबल के बटन ते इत्थे क्लिक करांगा तो अगे का प्रोसैस तुहाडे सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। हुण आपां करना की है, क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन ते आपां क्लिक कर देंगे। क्लिक करन तो बाद दोस्तों फिर आपां थ्री डॉट ते क्लिक करेंगे तो डैस्कटॉप साइट आपां इसकी ऑन कर लेंगे इतों, जिवें कि मैं इस विच सेम कर रहा। तुसीं इह क्रोम ब्राउजर विच करोगे तो बैटर प्रोसैस रहेगा, इसका बहुत वधिया प्रोसैस रहेगा। हुण इस तो बाद नॉर्मल जी डिटेल भरनी है, जे सब इंस्पैक्टर की तुसी पोस्ट भरी सी तां उसकी डिटेल ऑलरेडी इत्थे पहले ही फिल होगी, जिवें कि इत्थे मेरी ऑलरेडी पहले ही फिल है। बाकी एक बार पोस्ट इत्थे नेम सिलेक्ट कर लो कॉन्स्टेबल की, आप इत्थे क्लिक कर लेंगे। एंड पोस्ट सिलेक्ट करन तो बाद कॉन्स्टेबल की पोस्ट जो आप सिलेक्ट कर ली, उस तो बाद अपना मदर नेम फिल करना, फादर नेम इत्थे फिल करना बस। इस तो बाद तुसी अपना मैरिटल स्टेटस इत्थे नोट करना, जो भी जे मैरिड हो तो मैरिड लिख लेंगे, जे अनमैरिड हो तो अनमैरिड इत्थे लिख लेंगे। इस तो बाद नैशनैलिटी आप इंडियन ते क्लिक कर लेंगे, तो तुसी पंजाब दे वसनीक हो तो आप यस ते क्लिक कर लेंगे।
इस तो बाद रिजरवेशन कैटेगरी तो बिलोंग कर दो तो आप इतने सिलेक्ट कर लेंगे तो कि कैटेगरी विच रिजरवेशन तुम्हें चाहिए इस बात वह सिलेक्ट कर लेंगे। इस तो बाद कुछ नहीं करना आप इतने जो तुम एक्स सर्विसमैन हो यस या नो तो आप क्लिक कर लेंगे जो नहीं हो तो नो कर देंगे जो गवर्नमेंट इंपलॉय हो तो यस या नो तो क्लिक कर लेंगे। जो कोई सोशल मीडिया तुम यूज़ करते हो बाकी जिन्हें तो रैड स्टार नहीं है यह फिल करने इन्नी जरूरी भी नहीं है ये जो तुम ना फिल करोगे तो भी चल जाएगा। इस तो बाद अपना कोई भी थोड़े शरीर से निशान है जो कोई चोट का निशान है आइडेंटिफिकेशन का निशान है तो उस बारे आप दस देंगे एंड इस अलावा अपने जोड़े पछाण सबूत आइडेंटिटी प्रूफ है आप दोनों चूज़ करके इस विच तुसी की चूज़ कर सकते हो या तो वोटर आई डी कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट जे इन विच तुहाडे कोल कोई भी है तो आप चूज़ कर लेंगे इत्थे। जे इस तो अलावा इस विच भी इन्होंने यही सिस्टम दिसा हुआ है कि यह चार पाँच जिहड़े भी वोटर आई डी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड तुहाडे कोल है इन्होंने दो अलग अलग आप चूज़ कर लेंगे जिवें एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने पैन कार्ड चूज़ कर लेना तो उपर वाले आप वोटर कार्ड चूज़ कर लें टिक मार लगा के। इस तो बाद अपना वोटर आई डी नंबर तो वोटर आई डी कार्ड से जोड़ा नाम है वह फिल करना पैन कार्ड नंबर तो पैन कार्ड से जोड़ा नाम है वह फिल करना। इस तो बाद आप अपना एड्रैस फिल करना जो भी एड्रैस फिल करोगे आप इतने यस कर देंगे तो परमानेंट एड्रैस से भी ऑटोमैटिकली अपने आप वह एड्रैस फिल हो जाएगा। इस तो बाद आप सेव एंड नैक्सट पर क्लिक कर देंगे एंड हूँ परसनल डिटेल फिल करने तो बाद अगे का फॉर्म अपने सामने ओपन हो जाता है। सब तो पहले इतने आप अपनी दसवीं क्लास की जी डिटेल है वो फिल करनी है किस स्कूल की है किन्ने परसेंटेज बने से तो ऑप्शनल मतलब कितने मार्क्स किन्ने अंक आप प्राप्त किए थे कि किन्ने नंबर आप कि नंबर प्राप्त किए थे इतने आप फिल कर लेंगे तो कि साल में आप दसवीं पास की। इस तो बाद इन्होंने पूछा हुआ कि दसवीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट तुहाडे कोल सी तां यस करांगे। इस तो बाद आप ट्वेल्थ क्लास की डिटेल फिल करनी है नॉर्मल जी डिटेल है सेम डिटेल आप इतने फिल करनी है। इस तो बाद कैडर प्रीफ्रेंस की वारी आँदी है जिहड़े भी कैडर में तुम जाना चाहते हो उसनों फस्ट नंबर पर रखांगे जिन जिहड़े मतलब कि चूज़ कर लेंगे आप तीन कैडर जिहड़े भी जिथे भी सिलेक्शन होंगी है पहला पुलिस जिला तहजीज है तो इस विच आप जिहड़े भी जिले में तैनात होना चाहते हैं मतलब पोस्टिंग अपनी लेना चाहते हैं तो उस हिसाब न आप इतने सिलेक्ट कर लेंगे। तो सब तो पहला मैं बठिंडा सिलेक्ट कर लेना मेरा एरिया क्योंकि बठिंडा। इस तो बाद जो कोई होर सारे जिले इतने शो हुए हैं जिहड़े भी जिले में तुम सिलेक्ट करना चाहते हो उसनों क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। कैडर सिलेक्ट करने तो बाद अपने को पूछा हुआ है कि जी तुहाडे ते कोई एफ आई आर तो या केस तो नहीं हुआ तो आप इतने नो 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 सारे तो नो नो क्लिक कर देवे एंड यह स्टैप कंप्लीट करने तो बाद आप सेव एंड नैक्सट से क्लिक कर देंगे। उस तो बाद आप डाकूमेंट अपलोड करने होंगे वह डाकूमेंट मेरे को हाले तैयार नहीं है तो नैक्सट पार्ट में मैं तुम्हें समझा देंगा कि किमें डाकूमेंट की फोटो खिंच के तो उसका साइज सैट करके इस दे फॉर्म उपर अपलोड करना है तो अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। बाकी दोस्तों कॉन्स्टेबल के एग्जाम रिलेटड मेरे चैनल से तुम्हें काफ़ी क्लासेस मिल जाएगा और बेस्ट बुक की गल करिए बेस्ट बुक का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगा उत्थे जाके तुम ऑनलाइन अमेजॉन तो कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकते हो एंड जी फिर भी कोई सवाल है थोड़े मन में तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो एंड जो यह वीडियो बेनीफिशियल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एक कमेंट कर दो एक सबसक्राइब जरूर कर दो।